मानसी आप भी किसकी बातों में बातों में आ रहे हैं? ये तो इस घर में आई है रिश्तों में जहर घोलने के लिए। मुझे इस रिश्तों की परवाह है, मुझे सबकी खुशी की परवाह है, इसलिए मैं इसे एक मिनट भी यहाँ रहने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मिस्री ने पैसे दिए थे। देखिए मिस्री को, मिस्री ने पैसे दिए थे। किसने दिए थे पैसे? इन्होंने पैसे दिए और कहा कि सारा इल्जाम आप पे लगा दें। हम झूठ नहीं सच बोल रहे हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे ये झूठ बोलने के लिए। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। तो बर्बाद हो गई मिश्री, सबके सामने तेरा मुकाम। वानी मैडम, हम सब जानते हैं कि ये सब आपका किया धरा है। राघव जी पर हर हमला, हर खतरा आपकी देन है। सब जानते हैं कि सब आपने किया है। हमने आपकी और आपकी मम्मी के बीच की सारी बात सुन ली थी कल, पर आज लेकर कल हम आपका सच सबके सामने लाकर ही रहेंगे। मैं देवी माँ की कसम। ये है तेरी औकात, मेरे बाल्टी और मेरे पोछ। बाल्टी अपने हाथ से भर और इस पोछे से अपना मुंह साफ, ताकि तू कभी ना भूल पाए कि इस घर में और राघव की जिंदगी में तेरी जगह बस एक नौकरानी है। नौकरानी ही तो नहीं है हम, इस घर की न राघव जी। हमारा दर्जा तो बहुत ऊंचा है, आपसे भी ऊंचा है। राघव जी तो बस आपसे प्यार करने का दम है, पर हमारे मांग में तो राघव जी ने सिंदूर भरा। हम इस घर की बहू है, राघव जी की पत्नी। हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात कहने की? हाँ, जबान खींच लूंगी मैं। राघव की पत्नी मैं हूँ, सुना तुमने? पत्नी नहीं, दूसरी पत्नी है आप। पर कानून और समाज की नजर में पहली पत्नी के दूसरी पत्नी का ना तो कोई दर्जा होता है ना तो कोई अधिकार। तेरी इतनी हिम्मत! इस बार हम थप्पड़ नहीं।